MIUI 13। तो भाई आप सब भी MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर को यूज़ करना चाहते हो अपने वाइट वाला वीवो वाई सीरीज डिवाइसेस के अंदर, तो यार हम भी यूज़ करना चाहते हैं ताकि हमारा डिवाइस कम से कम थोड़ा सा अलग सा लगे, बाकी कोई दिक्कत ना आए डिवाइस के अंदर, और जो ऐप है वो काफ़ी अच्छे से रन करे। तो आज की इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना मेरे भाई। तो देखो एक चीज़ का आपको कन्फर्म कर देता हूँ, MIUI 13 कंट्रोल सेंटर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जस्ट एक ऐप को इंस्टॉल करना है उसके लिए सिर्फ आपके स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए डिवाइस के अंदर, एंड्रॉइड 11 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीवो वाइट वाला मेरे पास यहाँ पर वाई सीरीज का कोई सा भी डिवाइस है, एंड्रॉइड 11 होना चाहिए, तो ईजिली वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ किस तरह से वर्क करता है, और जो हमारे डिवाइस के अंदर है ना वो कैसा लगता है भाई यूज़ करने के बाद, थोड़ी सी लुक अलग आ जाती है। तो चलिए स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन सारी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो आप, इजीली देख सकते हो, ये रहा भाई MIUI 13 का कंट्रोल सेंटर, जिसके संग काफ़ी अच्छी लुक आपकी आ सकती है। यहाँ पर देखो स्वाइप टू, यहाँ पर मैं करता हूँ भाई लेफ्ट की तरफ, तो ये यहाँ पर कुछ सभी आपको यहाँ पर आइकन पैक्स वगैरह मिल जाते हैं, सभी यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आती, देखने के अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। जिससे कोई हम डिवाइस अपना यूज़ कर रहे हैं तो किसी से नोटिफिकेशन अलग से आ जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई देखने के अंदर। बाकी एक ऐप है, बाकी भाई देखो परमानेंट तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जस्ट तब तक आप अपने डिवाइस के अंदर ऐप को यूज़ करोगे तब तक वो यूज़ रहेगा। बस आपको नीचे से इसको क्या करना है, परमानेंटली लॉक कर देना है मेरे भाई। परमानेंटली लॉक आप कर दोगे तो क्या होगा, ये हिलेगा नहीं भाई, लॉक आपको करना आता है। यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे लॉकडाउन देखो, यहाँ पे जो लॉकडाउन लिखा हुआ ना लॉक है, इसको लॉक कर दोगे ना तो परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएगा, कहीं पर जाएगा नहीं भाई। तो देखो ये काफ़ी अच्छे से लगता है मेरे भाई। वैसे हमारा जो नॉर्मल कंट्रोल सेंटर तो नीचे से आता है भाई, ये थोड़ा काफ़ी पुराना हो चुका है क्योंकि इसको चेंज हम नहीं कर सकते फिलहाल, ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल नहीं बना है। बाकी यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आता है, और यहाँ से अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसको इजीली यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन सब कुछ यहाँ पे वर्केबल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ से आप ब्राइटनेस को अप एंड डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। काफ़ी अच्छे से कंट्रोल सेंटर वर्क भी करता है मेरे भाई, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से सेटिंग के ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो इसकी ऐप की सेटिंग आ जाएगी, उसके अंदर क्या होगा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर टेक्स्ट कलर्स आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कलर्स हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैं ब्लूलिश कर देता हूँ, इसको ओके कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा भाई, ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा मेरे भाई, सेटिंग के अंदर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन अलाउ के ऑप्शन को अगर आप ऑफ़ कर दोगे तो साइड की तरफ जो नोटिफिकेशन आपका आता है वो नहीं आएगा। यहाँ से इसको अलाउ कर देते हैं तो यहाँ से तो आपका कंट्रोल सेंटर आएगा इजीली, और साइड की तरफ से वो लेफ्ट की तरफ करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी क्या क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो अपने डिवाइस के अंदर। ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है इस कंट्रोल सेंटर का। बाकी आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर काफ़ी कस्टमाइज आपको मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमाइज मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यूज़ कलर फ्रॉम ऐप वॉलपेपर, यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो, चेंज ऐप वॉलपेपर कर सकते हो, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ काफ़ी चीज़ें हैं भाई। इजीली चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी। बाकी आप चेक कर लेना अपने हिसाब से, जैसे आपको कस्टमाइज़ करनी है वैसे कस्टमाइज़ आप कर सकते हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कंट्रोल सेंटर के अंदर। तो देखो यहाँ पे मैंने कलर चेंज किया, तो यहाँ पर जो मेरा कलर है काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है डिवाइस के अंदर। तो यही कुछ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, इजीली वहाँ से चेकआउट करके यूज़ कर सकते हो। नीचे से अगर आप इसको क्लोज भी करोगे तो यहाँ से फिर भी ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वर्क करता रहेगा भाई, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। एक बात बताना चाहूँगा, जब आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करोगे ना, कुछ इस प्रकार से दिखाना चाहूँगा, जब यहाँ से इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेगी, परमिशंस। जैसे ये परमिशन मैंने ऑफ कर दी थी, नीचे से मैं अनलॉक करके क्लोज कर दिया था, तो यहाँ पे देखो MIUI 13 है, इस पर ओके करना है, यहाँ पे इसको टैप को परमिशन दे देनी अलाउ। एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, बैक करोगे ना यहाँ पर आपका नॉट वर्किंग लिखा नहीं आना चाहिए, तो फिर 2-3 बार आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा तभी ये जाके वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से ओके कर दिया, अब यहाँ पे इसको परमिशंस को आपको ऑन कर दिया, बाकी सारे परमिशन ओके करोगे, नेक्स्ट करोगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको करनी है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आई होप ये वीडियो को काफ़ी अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, वीडियो को जरूर से लाइक करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई।